अच्छा, आपने इस वक्त सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पे के जेएमयू की हासिल की है, इस आगे आप क्या करना चाहते हो? मैं एमडी मेडिसिन के बाद कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। इसके पीछे का कोई खास उद्देश्य है? मुझे कार्डियो में इंटरेस्ट है, मतलब मैं उसमें आगे वर्क करना चाहती हूँ। अभी फिलहाल आपको और आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? कृतिका पहले भी बचपन में भी एक अच्छी स्टूडेंट रही है, तो आज ये उपाधि मिल देख कर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, दीक्षिका त्रिपाठी। अच्छा, आपको कितने मेडल मिले हैं और कौन कौन से अवार्ड? टोटल ऑफ 19 गोल्ड मेडल्स एंड अ सिल्वर मेडल, एंड आई कैन नॉट नेम ऑल द मेडल्स, बट जो सबसे बड़ा मेडल है वो डॉक्टर एच डी गुप्ता मेमोरियल गोल्ड मेडल और कैश प्राइज ऑफ 10,000 फॉर बीइंग द कंसिस्टेंट टॉपर इन ऑल द ईयर्स एंड हाईएस्ट एग्रीगेट इन बीडीएस। आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहूँगी मैं, और उसके बाद किस विधा में करना चाहूँगी, ऑर्थोडोंटिक्स या प्रोस्टोडोंटिक्स? ऑर्थोडोंटिक्स या प्रोस्टोडोंटिक्स, यानी दांतों में आप करना चाह रही हैं? क्यों? स्टूडेंट आई एम बीडीएस स्टूडेंट। नहीं नहीं, मतलब कि इसकी किसी खास विधा में है? देखिए, प्रोस्टोडोंटिक्स इसलिए क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है दांत गिर जाने की। जब दांत गिर जाते हैं तो एल्डरली पीपल वो खा नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है और वो फर्दर दूसरी बीमारियों में डेवलप होती है। आपको इतनी अवार्ड्स मिले हैं, इसका श्रेय आप किसको दे रही हैं? मैं सबसे पहले अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगी। बिल्कुल, अगर ये इतना प्रोत्साहन ना देते, मुझे इतना बढ़ावा ना देते, मेरी कमियों को हटा कर खूबियों को बढ़ाते ना, तो मैं यहाँ पहुँच नहीं पाती। और सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने दादाजी को, स्वर्गीय श्री मुरली प्रसाद शर्मा, मुरली प्रसाद त्रिपाठी जी को देना चाहूँगी। अच्छा, आपको कौन सा अवार्ड मिला है? चांसलर्स गोल्ड मेडल। अच्छा, ये आपको किस विभाग, किस पढ़ाई के लिए मिला हुआ है? मतलब चारों साल में सबसे हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स के लिए। ओके, आप आगे क्या करना चाहते हो? आई वांट टू बी अ पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, इसको पीडियाट्रिशियन बनने के पीछे कोई खास उद्देश्य है? आई थिंक इट्स अ गुड सब्जेक्ट, आई एंजॉयड इट ड्यूरिंग माय यूजी पीरियड। आपको जो उपाधि मिली है आज, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? इसका श्रेय, इसका पूरा श्रेय मैं अपने पापा मम्मी को देना चाहती हूँ। अच्छा, होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय लाइफ। अच्छा, उन्होंने किस तरह से आपको आगे इस डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आगे प्रोत्साहित किया? जैसे मैं बताना चाहूँगी, मेरे पापा मम्मी दोनों नॉन मेडिकल्स हैं, और बचपन से ही उन्होंने मतलब मुझे कहा कि तुम डॉक्टर बनोगी आगे, तो वही चीज़ वही मेरा भी ड्रीम बन गया। और मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा है, मुझे मतलब फैमिली सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट मिला है, सो पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को दे